वेलकम टू द चैनल एवरीवन। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड प्रॉब्लम। आइए देखते हैं वो वर्ड प्रॉब्लम क्या है। वो वर्ड प्रॉब्लम है कि आउट ऑफ ए ग्रुप ऑफ डियर, वियर का ग्रुप है 7/2 टाइम स्क्वायर रूट ऑफ टोटल नंबर आर ग्रेजिंग ग्रास। 7/2 टाइम स्क्वायर रूट जो है उनके वो ग्रेजिंग कर रहे हैं ग्रास को, एंड रिमेनिंग टू आर प्लेइंग, और दो लोग खेल रहे हैं। फाइंड टोटल नंबर ऑफ डियर इन ग्रुप, बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट। अभी बताओ जितने डियर होंगे उतने ही मिलाकर क्या कर रहे होंगे, ग्रेज कर रहे होंगे, घास खा रहे होंगे और दो बच्चे खेल रहे होंगे, तो कुल मिलाकर यही होने वाला है। एकदम आसान सा कॉन्सेप्ट है। मान लेते हैं लेट द नंबर ऑफ डियर बी क्या मान लें, डियर बी एक्स, कि टोटल नंबर ऑफ जो डियर है वो एक्स है। तो इसका मतलब ये होगा जितने ग्रेज कर रहे हैं और जितने खेल रहे हैं दोनों पर मिलाकर एक्स होंगे कि नहीं होंगे, एकदम ऑब्वियस सा बात है। तो देखो लिख सकते हैं एक्स इज इक्वल टू 7/2 टाइम स्क्वायर रूट ऑफ टोटल नंबर ऑफ ग्रेजिंग। तो 7/2 स्क्वायर रूट मतलब क्या होता है, अंडर रूट एक्स। क्या है टोटल नंबर, कितने हैं टोटल नंबर आर ग्रेजिंग, तो एक्स तो टोटल है, तो 7/2 स्क्वायर रूट वो ग्रेज कर रहे हैं, एंड रिमेनिंग टू आर प्लेइंग, तो दो बच्चे हैं वो खेल रहे हैं, तो कुल मिलाकर एक्स की वैल्यू उसके बराबर होगी कि नहीं होगी, क्योंकि एक्स टोटल नंबर थे और ये क्या थे, ग्रेजिंग वाले थे, ये क्या थे, प्लेइंग वाले थे, दोनों मिलाकर एक्स की वैल्यू हुई। अब इसी को सॉल्व कर लीजिए आपका आंसर आ जाएगा। तो कैसे करोगे, इस 2 को इधर लेते आओ, तो ये इस 2 को लाओगे तो एक्स माइनस 2, ताकि तुम्हें स्क्वायर रूट, क्योंकि ये रूट एक्स को हटाना पड़ेगा, तो 7/2 रूट एक्स ऐसे हो गया। अब क्या कर देते हैं, दोनों साइड स्क्वायरिंग कर देते हैं, तो स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, देख लो ये हो जाएगा तुम्हारा एक्स स्क्वायर प्लस 4 और माइनस 4x, ठीक है, और इधर कितना हो जाएगा 7/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49/4x, ठीक है। यहां पे लिख दे रहा हूं स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है, तुम्हें क्लियर रहेगा स्क्वायरिंग बोथ साइड। तुम्हारे पास एक ऑप्शन और भी था, अगर तुम रूट एक्स को कोई और वेरिएबल वाई मान के सॉल्व करते तो कोई दिक्कत नहीं होता, थोड़ा सा उसमें दो बार वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना पड़ता, यहाँ पे दो बार सब्स्टिट्यूट नहीं करना पड़ेगा। तो देखो कितना हो जाएगा, 4 का मल्टीप्लाई कर दो, 4x स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो जाएगा 4 4 जा 16 माइनस 4 4 जा 16x इज इक्वल टू 49x, ठीक है। अब सॉल्व कर लेते हैं 4x स्क्वायर, अब देखो कितना हो गया, माइनस का 16x और ये 49x इधर जाएगा, तो कितना हो जाएगा माइनस का 65x, ठीक है, और प्लस 16 इज इक्वल टू 0, क्लियर है कि नहीं। देखो 4x स्क्वायर ऐसे ही हो गया, माइनस 16x और ये 49 इस बार जाएगा माइनस 49, तो माइनस 16 और माइनस 49 हो गया माइनस 65x और प्लस 16 इज इक्वल टू 0। ये फैक्टराइजेशन जो आंसर सॉल्व हो जाएगा, मल्टीप्लाई करने पे 64, ऐड करने पे माइनस 64, तो कौन सा फैक्टर हुआ 64 और 1, तो लिख लो 4x स्क्वायर माइनस 64x माइनस x प्लस 16 इज इक्वल टू 0, तो 64 इंटू 6x कितना हो गया 64x स्क्वायर, और माइनस माइनस 65x कॉमन ले लो 4x को, तो x माइनस 16 और माइनस 1 कॉमन लोगे तो x माइनस 16 इज इक्वल टू 0। कंपेयर करो x माइनस 16 इज इक्वल टू 0 से, और इस वाले को 4x माइनस 1 इक्वल टू 0 को कंपेयर करोगे, तो यहां से x की वैल्यू 16 आ जाएगी और यहां से x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/4। तो ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि डियर 1/4 में हो, पॉसिबल ही नहीं है, तो डियर कितने हो जाएंगे x इज इक्वल टू 16 में, क्लियर बात है। तो आपके जो क्वेश्चन के टोटल नंबर ऑफ डियर ग्रुप में कितने हैं 16 है। तो बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार बोर्ड एग्जाम में आए, मैंने आपको करवा दिया, ठीक बात है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे अभी नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि वो भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।